जो फौज ताकतवर होती है वो अपने बलबूते पे ही लड़ाई लड़ती है या अपने बलबूते पे कायम रहती है। जो फौज ताकतवर होती है वो आतंकवादियों का सहारा नहीं लेती है। आपकी फौज आतंकवादियों का सहारा ले रही है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपकी फौज आतंकियों के जरिए दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करती है, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो। सर मेरा ख्याल से पाकिस्तान में भी अगर कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो वही करेंगे जो उनको प्राइम मिनिस्टर कहेगा। अभी मिलिट्री बेसिस के हवाले से बात है तो उसने यही कहा है कि जो मुझे वजीर आजम कहेगा मैंने तो वही करना है। बिल्कुल सही कमर साहब, तभी तो कहते हैं ना कि एवरी नेशन हैज एन आर्मी बट पाकिस्तान आर्मी हैज ए नेशन। तो ये इसलिए नहीं कहा जाता है, ये तो बड़ी सोच समझ के कहा जाता है। आपकी डिफेंस पॉलिसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी इस्लामाबाद में ना बनकर रावलपिंडी में बनती है। जो जग जाहिर चीजें हैं इनको छुपाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी कह लीजिए, पर ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। तभी तो अमेरिकन जो जनरल्स आते हैं या अमेरिकन डिप्लोमेट्स आते हैं वो आपके जनरलों से बात करते हैं। अमेरिका भी सबसे पहले आपके जनरल जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बाद में बुलाया जाता है। जब आपके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं अपने जनरल साथ लेके जाते हैं। जब भारत टारगेट करता है हमेशा ये कहता है जी पाकिस्तान की फौज ये कर रही है, फौज ये कर रही है, तो सारी बात है कि एक मजबूत अदारा है तो उसको टारगेट करना तो फिर बनता है कि जो मजबूत चीज हो उसी को लोग मारते हैं। तो जो फौज ताकतवर होती है वो अपने बलबूते पे ही लड़ाई लड़ती है या अपने बलबूते पे कायम रहती है। जो फौज ताकतवर होती है वो आतंकवादियों का सहारा नहीं लेती है। आपकी फौज आतंकवादियों का सहारा ले रही है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपकी फौज आतंकियों के जरिए दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करती है, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो। तो आप जानते हैं कि जो फौज लश्करों का सहारा लेती है वो फौज अपने बलबूते पर लड़ाई नहीं लड़ सकती है। इससे पहले भी डॉसियर भेजे हैं, अगर दुनिया उस पर एक्शन नहीं लेती, आपकी इन्वॉल्वमेंट में नहीं करती, तो हम दुनिया को क्या कह सकते हैं? डबल स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया के। शोज योर स्टैंडिंग, दैट शोज योर इंटरनेशनल स्टैंडिंग, दैट शोज हाउ, दैट हाउ इंटरनेशनल कम्युनिटी सीज यू, दैट बिकॉज दे हैव सीन एंड दे हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड दैट द फाउंटेन हेड ऑफ टेरर इज पाकिस्तान। सारी दुनिया ने और अमरीकी सदर ने भी ये कहा है कि हमारी पाकिस्तान ने बड़ी मदद की दहशतगर्दी की जंग लड़ने में और हमें अफगानिस्तान में भी मदद करें, और हर अमरीकी अहदेदार की यही स्टेटमेंट आती है। वो अलहदा बात है कि इंडिया हर फोरम पे जाकर ये कहता है जी कि पाकिस्तान क्योंकि आपने फ्रीडम स्ट्रगल में कश्मीर की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसे दहशतगर्दी करार दे दिया है। कश्मीर में फ्रीडम स्ट्रगल है और बलूचिस्तान में टेररिज्म है, इंडियन स्पॉन्सर्ड है ना, ये आप कह रहे हैं? देखिए ये आपका मौकिफ है पाकिस्तान। एविडेंस आज भी बहुत है और एविडेंस हम पहले दे भी बहुत चुके हैं, यूनाइटेड नेशन लेवल तक डोसियस भी दे चुके हैं, लेकिन ये जो इस वक्त पोजीशन है इसमें दुनिया इंडिया के साथ खड़ी है, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट ने इंडिया को इस्तेमाल करना है चीन के खिलाफ। उनकी हर बुराई से वो सरफे नजर करेंगे, उन पर कोई बड़ी पाबंदी नहीं लगेगी। उन्होंने यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन विच बिकम्स इंटरनेशनल लॉ उसको उठा के विंडो से बाहर फेंक दिया। कोई वेस्ट ने आवाज उठाई है, यूनाइटेड नेशन ने आवाज उठाई है, अमेरिका ने कोई पाबंदी लगाई है? आपके 15 बंदों की शहादत पे उसके ऊपर इंडिया पे पाबंदी लग जाएगी? एक ही तरीका है, वो 10 हमले करता है तो 5 ऐसे करो कि वो हिल के रह जाए और 11वां हमला करने का ना सोचें। हमारे पास भी एविडेंस है, हमारे पास भी शहादतें हैं। फिर जब कोई बड़ा बीच में आएगा इंटरलोक्यूटर या मुसालियत करवाने वाला तो उसको बताएं हाँ जी 10 उन्होंने किए हैं, 5 हमने किए हैं, दिस इज द ओनली वे। साहब आपने ये जो सजेशन दी है, हम तो एफएटीएफ को नहीं संभाल पा रहे, साल 2 साल हो गया, 4 दफा हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकले, आप कह रहे हैं कि हमें अग्रेशन के मुकाबले में अग्रेशन दिखाना चाहिए, कैन वी डू दैट? तो ग्रे अगर आपको मुईशत की परेशानी है, अगर आपने ग्रे लिस्ट से या एफएटीएफ से पूछ के अपनी सोवरेनिटी का दिफा करना है, अपने पाकिस्तानियों का खून बहता रहे और आप एफएटीएफ की तरफ देखते रहे, यही तो वो चाहते हैं। क्या हमारे ऊपर पहले पाबंदियां नहीं लगी? क्या जब हमने 98 के धमाके किए थे तो हम पर 3 साल के लिए सेंक्शन नहीं लगी थी? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दुनिया पाकिस्तान के बारे में बायस्ड है, हिंदुस्तान पता नहीं उनका मामा लगता है कि क्या क्या सूरत हाल है, लेकिन 2-3 चीजें जो हमारे पार्ट पर गलत है मैं उसकी निशानदेही करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जब कभी भी इस तरह की सूरत हाल आती है हम डॉसियर्स भेज देते हैं, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमने डॉसियर भेज दिए हैं, फॉलो अप 0।
मैं आपको पुलवामा पे ले चलता हूँ, पुलवामा के बाद भी इसी तरह डॉसियर्स भेजे गए थे, अगर आपको याद हो 5 अगस्त के इकदाम जो किए थे इंडिया ने, उसके बाद भी डॉसियर्स भेजे गए थे। और बाबा फिर उसके बाद आपकी कश्मीर कमेटी कहाँ है, फिर उसके बाद आपका फॉरन ऑफिस कहाँ है? ये एक्शन उस वक्त तक नहीं लिए जाएंगे दुनिया को मजबूर करके जब तक आपका फॉलो अप सपोर्ट जो है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो है, वो इफेक्टिव नहीं होंगे। अगर आपकी एम्बेसीज खामोशी इख्तियार करेंगी 5 अगस्त के इकदाम पे, वहाँ से कोई इनिशिएटिव नहीं आएगा ना वहाँ कहीं, तो फिर यही हाल होगा हमारा। फोरम जो है, चाहे OIC है, चाहे हमारे साथ कौन है, कोई भी नहीं है। हम जाके शोर में चाहते भी तो नहीं है ना, बात तो ये ना मेरा, हमें हमारे साथ दोगलापन क्यों दुनिया का? इसलिए कि मफादात के साथ दुनिया चलती है। आप ऐसा नहीं है कि दुनिया जो है वो कोई नाइंसाफी पे तुली हुई है। आपकी जो महली और आपकी जो है मसलन हमाकते हैं मसलन के भाई, बात यह है कि दुनिया FATF में आप पे इल्जाम लगा रही है, FATF में आप पे इल्जाम लगा रही है कि आप दहशत निकल जाएंगे इंशाल्लाह। FATF इंडिया क्यों नहीं जाती कि आप ये कह रहे, पूरी दुनिया ये कह रही है कि आप दहशत गर्दी की हिमायत करते हो, इसलिए FATF की ग्रे लिस्ट में हो। सबूत है हमारे पास, लेकिन दुनिया कहती है कि नहीं, इंडिया जो है वो दहशत गर्दी का हिमायत नहीं है। बात यह है, ये पाकिस्तान में मुसलसल वाकयात हो रहे हैं और उसमें हिंदुस्तान हमारा नंबर वन दुश्मन है वो तो शामिल है, लेकिन हमारे अपने बोए हुए बीज भी हैं, हमारी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम है, हमें उन प्रॉब्लम्स पर भी देखना पड़ेगा और हमें दुनिया को समझ के दुनिया के मुताबिक आर्गुमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, दुनिया से टक्कर मारने की दुनिया के आर्गुमेंट। बात ये दुनिया जो है वो दुनिया आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। कश्मीर का मैं फिर वही देखूंगा, 5 अगस्त का वाक्य हुआ, आपने कितना रोल मचाया, क्या हुआ, समझती अन्य मौजूदा को बात करनी है, जहालत को बात करनी है।